सपने वो नहीं होते, अरे सपने वो नहीं होते जो तुम सोते वक्त लेते हो, सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते हैं, सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, आज हमारी वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज मैं दोस्तों आपको दासू ट्रिक के माध्यम से इंपोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं। ये वाले वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं लेकिन आपके याद नहीं होते, लेकिन आज के बाद दोस्तों ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मैं ट्रिक बताने वाला हूं किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल की, भारत के कोई से भी राज्य के अंदर आप रहते हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न वो है जो सभी कॉम्पिटिशन लेवल के इंपोर्टेंट है और बार बार रिपीट भी होते हैं लेकिन आपके याद नहीं है। इनको मैं याद कराकर छोड़ूंगा ट्रिक के माध्यम से। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर। उससे पहले चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को जो भी आपके दोस्त हो उनके साथ शेयर कर देना। उससे पहले दो मोटिवेशनल लाइन आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि सपने वो नहीं होते, अरे सपने वो नहीं होते जो तुम सोते वक्त लेते हो, सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते हैं, सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। तो चलता है सीधे टॉपिक के ऊपर, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। दोस्तों आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों को क्रम से पूछ ले कि हमको क्रम से बताओ दूसरे नंबर का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, पहले नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा राज्य है। तो आज मैं इनको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा देता हूं। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा तो यहां से एक प्रश्न गलत नहीं होने वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के चार बड़े राज्य मैं आपको याद करवा देता हूं। ट्रिक है छोटी सी है बस, राम महा आंध्र है। हमारी ट्रिक क्या रहेगी, राम महा आंध्र है। रा से हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, मै से हो जाएगा मध्य प्रदेश एंड एमपी, महा से हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मतलब कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। कैसे याद किया हमने, ट्रिक है हमारी राम महा आंध्र है, राम महा आंध्र है, राम महा आंध्र है। रा से राजस्थान, मै से मध्य प्रदेश, मा से महाराष्ट्र और आंध्र से आंध्र प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, भारत के वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों को याद है और बहुत बच्चों के याद नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न बार बार रिपीट होता है तो हम इनको भी याद कर लेते हैं। भारत के वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य कैसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक है राजा के छह पंगु मित्रम। ट्रिक क्या हो जाएगी, राजा के छह पंगु मित्रम, राजा के छह पंगु मित्रम। अब रा से हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, झा से हो जाएगा झारखंड, इसमें दोस्तों के है ना के, ये साइलेंट रहेगा। राजा के छह से हो जाएगा छत्तीसगढ़, पैसे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गु से हो जाएगा गुजरात, मी से हो जाएगा मिजोरम और त्रय से हो जाएगा त्रिपुरा, मै से हो जाएगा मध्य प्रदेश। वापस से देखो ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी, राजा के छह पंगु मित्रम, रा से हो जाएगा राजस्थान, झा से हो जाएगा झारखंड और छह से हो जाएगा छत्तीसगढ़, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गु से हो जाएगा गुजरात, नी से हो जाएगा मिजोरम, त्रय से हो जाएगा त्रिपुरा और मै से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आपने पढ़ ली होगी वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरते हैं, इसको भी हमने ट्रिक से याद कर लिया। ट्रिक क्या थी हमारी, राजा के छह पंगु मित्रम। आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों साइंस की। साइंस के भी प्रश्न आजकल जितनी भी एग्जाम है सभी के अंदर आने लग गए हैं। और दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है सबसे कठोर धातु, सबसे नरम धातु, सबसे भारी धातु, इसके अलावा सबसे हल्की धातु, ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है ना। तो एक ही ट्रिक में जितने भी ऐसे प्रश्न है ना सभी को मैं याद करा दूंगा। साइंस के दोस्तों ट्रिक है हमारी, जो ट्रिक है उसका नाम है हेलो लीला बॉयफ्रेंड आया कप प्लेट और नरम समोसा लाया। हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, हेलो लीला बॉयफ्रेंड आया कप प्लेट और नरम समोसा लाया, हेलो लीला बॉयफ्रेंड आया कप प्लेट और नरम समोसा लाया। अब देखो दोस्तों ऐसे हो जाएगी सबसे हल्की धातु, ऐसे हो जाएगी सबसे हल्की धातु, हेलो से हो जाएगी सबसे हल्की धातु, ली से हो जाएगी दोस्तों लिथियम, तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, लिथियम। तो हेलो लीला इसका अर्थ निकल गया, ऐसे हो जाएगी सबसे हल्की धातु और ली से हो जाएगी लिथियम, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। आगे चलते हैं, हेलो लीला बॉय, बॉय यानी होता दोस्तों भारी, सबसे भारी धातु,
फ्रेंड आया, आया से हो जाएगा दोस्तों आसमिया, तो हम कह सकते हैं सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, आसमिया, कौन सी हो जाएगी, आसमिया। आगे चलते हैं कप प्लेट, कप से हो जाएगी दोस्तों सबसे कठोर धातु, कप से हो जाएगी सबसे कठोर धातु, और प्लेट से हो जाएगी प्लेटिनियम, तो सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी हमारी, प्लेटिनियम। आगे चलते हैं और नरम समोसा लाया, नरम से हो जाएगा सबसे नरम धातु, सबसे नरम धातु कौन सी हो जाएगी, समोसा से हो जाएगा सोडियम, तो सबसे नरम धातु हो जाएगी सोडियम। वापिस से देखो, आपके याद नहीं हुआ होगा अब, लेकिन मैं याद करवा दूंगा। ट्रिक का क्या नाम है, हेलो लीला बॉयफ्रेंड आया कप प्लेट और नरम समोसा लाया, हेलो लीला बॉयफ्रेंड आया कप प्लेट और नरम समोसा लाया। ऐसे हो जाएगा दोस्तों सबसे हल्की धातु, लिया से हो जाएगी लिथियम, तो सबसे हल्की धातु लिथियम। भाई से हो जाएगी दोस्तों भारी, सबसे भारी धातु आया से हो जाएगी आसमिया, तो सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, आसमिया। कप से हो जाएगी खटोर, सबसे खटोर धातु प्लेट से हो जाएगी प्लेटिनियम, तो सबसे खटोर धातु प्लेटिनियम। और नरम, नरम से हो जाएगी सबसे नरम धातु समोसा यानी सोडियम, तो सबसे नरम धातु हो जाएगी सोडियम। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं ऐसी छोटी छोटी धमाकेदार इंपोर्टेंट ट्रिक की वीडियो लाता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।